इस पावन दिन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हम सब उस देश के वासी हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। हम सब उस देश के भी वासी हैं जहाँ अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले झांसी की रानी को पाया जाता था। शायद मैंने कुछ गलत कहा, पाया नहीं जाता था। आज भी हम सब उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में हैं, एक बार जोरदार आप सबकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे और जोर से हम सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे।
सुखद अनुभूति आज इस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे बीच इस मंच को अपना आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सम्मानित मंच का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा रक्षा मंत्रालय तथा जिला प्रशासन के समन्वय से एक अत्यंत गौरवपूर्ण त्रिदिवसीय उत्सव जिसका शुभारंभ आज इस राजा गंगाधर राव मुक्ताकाशी मंच पर माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर शौर्य और पराक्रम के इस धरती पर मैं आप द्वय विभूतियों का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे लिए हर्ष का विषय है, हम अभिभूत हैं आप सबको अपने बीच पाकर। और मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय रक्षा सचिव भारत सरकार डॉक्टर अजय कुमार जी से कि आप आए हमारे अतिथिगण द्वय और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें डॉक्टर अजय कुमार जी। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एमएसएमई श्री भानु प्रताप वर्मा जी, माननीय यूपी के एक्साइज एंड प्रोहिबिशन मिनिस्टर श्री रमेश अग्निहोत्री जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री मनोहर लाल पंत जी, माननीय एमपी श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय झांसी के मेयर श्री राम तीरथ सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी का इस प्रोग्राम में झांसी जलसे में जो भारत का रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार मिलके मना रहे हैं उसमें हार्दिक स्वागत है। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं झांसी की पावन भूमि पे जहाँ पे आते साथ ही रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की, साहस की, सूझबूझ की, देशभक्ति की भावना हमें और ज्यादा प्रेरित करती है, उस भूमि पे आके इस फंक्शन के इस ऐतिहासिक क्षण में आप सभी को स्वागत करने में मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। भारत रक्षा मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में देश की रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई नए पहल किए हैं, कई नए कदम उठाए हैं। इन पहलों को, इन कदमों को, उनका फॉर्मल उद्घाटन करने का जब विषय आया तो माननीय रक्षा मंत्री जी से जब ये चर्चा हुई कि हम लोग अक्सर इस तरह के प्रोग्राम दिल्ली में करते हैं और दिल्ली में ही करने का शुरू में प्लान था, तो सोचा गया रक्षा मंत्रालय के ये प्रोग्राम जो हमारी सेना को सुदृढ़ कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहादुरी और वीरता की मिसालें दी जाती हो, और उसके लिए झांसी से कोई अच्छी जगह नहीं मिली और माननीय रक्षा मंत्री जी के निर्देश पे ये प्रोग्राम यहाँ पे लाया गया। भाइयों और बहनों, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, 2018 में भारत सरकार ने दो डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी,
एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। और उस समय तमिलनाडु जो कि उद्यमों के मामले में बहुत आगे है, प्रतीक्षा की जा रही थी कि वो डिफेंस कॉरिडोर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन पिछले 3 सालों में यूपी डिफेंस कॉरिडोर ने जिस तरह से तरक्की की है, जिस तरह से निवेशकों को यहाँ पे आकर्षित किया है, कि आज मुझे कहने में कोई शंका नहीं कि यूपी का डिफेंस कॉरिडोर बहुत विजय की तरफ अग्रसर हो रहा है। और उसमें से आप लोगों को मालूम है एक नोड कहीं और नहीं, झांसी में है। और ये जो प्रोग्राम आज जो यहाँ पे विशिष्ट अतिथियों के साथ शुरू हो रहा है, उसका जो क्लोजिंग ग्रैंड फिनाले है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे, और उस अवसर पे झांसी डिफेंस कॉरिडोर की नोड का पहले प्रोजेक्ट का शिलान्यास, 400 करोड़ की निवेश के साथ एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होगा, जिससे झांसी भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के मैप में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। इससे इस अवसर पर इन्हीं बहुत सारी कारणों के कारण आज हम लोग झांसी में 3 दिन से के जलसे के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस जलसे में तरह तरह के प्रोग्राम हैं, कुल 6 वेन्यू पे अलग अलग प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं, 26 के लगभग आइटम हैं, जिसमें सेना के कुछ आइटम हैं, कला रंग के कुछ आइटम हैं, कवि सम्मेलन है, हिस्टोरिकल कुछ आइटम हैं, अलग अलग तरह के आइटम हैं, जो मैं चाहूंगा कि यहाँ के सभी लोग उसका आनंद उठाएं, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री जी जो हमारे बीच हैं, जो हमारे रक्षा के सभी कार्यों में हमारे मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व जिनका हमें हमेशा प्राप्त होता है, और जो रक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव पिछले कुछ वर्षों में आए हैं, जिसके वो सारथी हैं, वो आज हमारे बीच हैं। मैं अपनी तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उनकी जो ग्रेशियस प्रेजेंस है, जो उनकी दयावान दृष्टि है, उसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने जिस तरह का सपोर्ट रक्षा मंत्रालय के सभी प्रोग्राम में दिया, लखनऊ में 2020 में डेफ एक्सपो हुआ था, डेफ एक्सपो शायद आज तक भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे विजयी डेफ एक्सपो लखनऊ में हुआ, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिला था। आज वो हमारे इस झांसी जलसे के प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका इस मंच पर स्वागत करता हूं। यहां पे उपस्थित श्री भानु प्रताप वर्मा जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई, श्री रमेश अग्निहोत्री जी, मिनिस्टर ऑफ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी, मनोहर लाल पंत, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्री अनुराग शर्मा जी जो यहाँ के एमपी भी हैं और यहाँ पे जिनके प्रयासों से बहुत सारे विकास के कार्य यहाँ पे शुरू हुए हैं और चल रहे हैं, श्री राम तीरथ सिंगल जी नगर के मेयर यहाँ पे उपस्थित, जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ पे एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी सभी अतिथियों का मैं फिर से पुनः एक बार स्वागत करते हुए अपने वाक्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर दीप प्रज्वलन करके अग्निदेव से इस कार्यक्रम की सफलता का आशीर्वाद मांगे। Thank you.
अंधेरा धरा पर कहीं मिल न जाए। भारती वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की धरती को शौर्य और पराक्रम की धरती के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, जो युगों युगों तक भीमा बनने के लिए 1857 की क्रांति की ज्वाला और रानी ने इसे स्वर्ण अवसर माना और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंतिम सांस तक अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। हर गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बने मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाबर आ पहुंचा आगे आगे जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर गिरा बाबर उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित अतिथिगण। मैं सादर अनुरोध करती हूँ आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भारत सरकार की सर आए और अपना उद्बोधन प्रेषित करें। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के में महारानी लक्ष्मीबाई के तेग और तपस्या में के जन्म दिवस पर आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व एवं झांसी में जलसा के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राम नरेश अग्निहोत्री जी, माननीय राज्य मंत्री मनमोहन कोरी जी, हमारे साथ के सांसद अनुराग शर्मा जी, झांसी के मेयर श्री रामप्रीत सिंगल जी, विधायक रवि शर्मा जी, राजीव पारीचा जी, बिहारी लाल आर जी, जवाहर राजपूत जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मान अधिकारीगण, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधु, विशेष रूप से मैं आज जो हमारा झांसी का पर्व जो मनाया जा रहा है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, उसकी बेला पर आज रक्षा मंत्री हमारे झांसी में पधारे हैं। वो जन्मभूमि पर जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे मान को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। महारानी लक्ष्मीबाई की यही वो धरती है जिस धरती पर उन्होंने अपने शौर्य के द्वारा 1857 में अंग्रेजों को खदेड़ा था और मारा था। विशेष रूप से ये वो धरती है, वीरों की धरती है, ये आला उदल की धरती है, ये मैथिली शरण गुप्त की धरती है। विशेष रूप से इस धरती पर ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र का विश्व में अपना नाम रोशन किया है। ऐसी वीरानी लक्ष्मीबाई के चरणों में श्रद्धा समर्पण अर्पित करता हूँ और आज जो पर्व रक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है उसमें हमारे रक्षा मंत्री जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ विधायक रहा हूँ। विधायक के समय उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में वो नए आयाम गढ़े थे जिससे विद्यार्थी को नई नई शिक्षा और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त होने लगी थी। इसके बाद रक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद रक्षा मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री के रूप में आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं उनका अपनी ओर से और आप सबके बुंदेलखंड वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से स्वागत करता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि उन्होंने 2017 में जैसे ही सरकार संभाली उसके बाद इस प्रदेश में चौमुखी विकास प्रारंभ हो गया था। विशेष रूप से कानून व्यवस्था की यह स्थिति है, आज हमारी बहु बेटी रात के 12 बजे भी कहीं भी चली जाए किसी गुंडे और बदमाश की हिम्मत नहीं है कि उसको आंख उठाकर देख सके। विकास की तो यह स्थिति है, जैसे ही 2017 की सरकार बनी और बनने के बाद जो कभी रोड नहीं बने हुए थे, फिर गाँव से लेकर हमारा राष्ट्र तक का रोड एक महीने के अंदर बनना प्रारंभ हो गया था। ऐसे मुख्यमंत्री जो हमारे बीच हैं, मैं अपनी ओर से अपने बुंदेलखंड वासियों की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी का और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सिर झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं सांस्कृतिक मंच पर उपस्थित अपने नाई राई नृत्य के कलाकारों से अनुरोध करती हूँ उनके नृत्य की प्रस्तुति के लिए। भारतीय भाग्य की परंपराओं का प्रतीक बुंदेलखंड और इसका ये प्रसिद्ध राई नृत्य जो किसी भी उत्सव के समय महिला और पुरुष को खुशी पूर्वक मिलकर गाते हैं। घुंघरू की थाप, मृदंग की थाप, इन सब के बीच आइए देखते हैं ये राई नृत्य। Thank you.
प्रजापति और उनके साथी। वीरता की इस धरती पर अगर कहूँ तो गलत ना होगा, सच्चे वीर की कथा प्रदेश के विकास को समर्पित हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज इस झांसी जलसे के पावन अवसर पर अपना उद्बोधन प्रेषित करें, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्ररक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा के आज के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री राम नरेश अग्नहोत्री जी, श्री मनोहर लाल पंत जी, माननीय सांसद सुनराग शर्मा जी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार जी, महापौर झांसी श्री राम तीर्थ सिंगल जी, मान्य विधायकगण, रक्षा मंत्रालय, प्रदेश शासन और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आगंतुक सभी उपस्थित महानुभाव, सभी रंगकर्मीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को और रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पर इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी इस झांसी की धरती पर पधारे हैं, मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं झांसी की जब चर्चा होती है तो भारत के सौर पराक्रम वीर और वीरांगनाओं की धरती के रूप में झांसी को एक पहचान मिलती है। यह वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिन का है और इस आयोजन को देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ करके और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है और रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का भाव हम सब के मन में पैदा हो और हर भारतीय का एक दायित्व बने कि राष्ट्र रक्षा हम सब का मूल धर्म है, राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है। इस धर्म का अनुपालन करके ही हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस भाव के साथ यह आयोजन यहाँ पर हो रहा है, एक अभिनंदनीय और सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्रालय का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोले हिलाने का काम किया था। रानी लक्ष्मी बाई जी के नेतृत्व में इस देश की स्वाधीनता के लिए उस समय जिस प्रकार का अभियान चलाया गया था, आज भी भारत के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में जाना जाता था और यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है
खूब लड़े मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कौन ऐसा भारतीय है जो इन पंक्तियों को कभी विस्मृत कर सकता हो। हरेक के जवान में आता है और रानी लक्ष्मीबाई का यह अमृत वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, यह भाव हरेक भारतीय के मन को मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव हम सबके मन में पैदा करने का एक नया उत्साह नया उमंग हमें पैदा करता है। 3 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम न केवल राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण का भाव रक्षा सेनाओं के द्वारा यहां पर उनके द्वारा देश की सेनाओं की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं इसका तो प्रदर्शन होने ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ यहां के रंगकर्मियों को समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ करके जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और कार्यक्रम के समारोह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन झांसी वासियों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह बुंदेलखंड वासियों के लिए अभिनव कार्यक्रम होगा क्योंकि 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी 2019 फरवरी में यहां पर आए थे और 19 के बाद यह कार्यक्रम झांसी की धरती पर राष्ट्र रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। आज बुंदेलखंड विकास के एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे यहां पर राष्ट्र हमारे देश के रक्षा सचिव जी ने यहां पर कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है, उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में है, बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहां पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा, लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर प्लान होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सब के सामने एक उदाहरण है। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी यहां पर एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यहां पर उद्घाटन भी किया था। इसके साथ ही बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल यानी यहां पर पेयजल का इतना अभाव था कि लोग पलायन करते थे, बड़े पैमाने पर पलायन होता था, लेकिन मेरा हमारा प्रयास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के बुंदेलखंड के हर गांव में मार्च 2022 तक शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल हुआ है। लगभग 10,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना यहां के विकास के साथ साथ एक नए बुंदेलखंड के निर्माण को लेकर के बुंदेलखंड के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नए उत्साह के साथ और जिन मूल्य और जिन आदर्शों के लिए हमारे पूर्वजों ने रानी लक्ष्मीबाई ने और उनके साथ अन्य वीरांगनाओं ने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए किया था, वह मातृभूमि के लिए किया गया वह बलिदान न केवल रक्षा सेनाओं के ओज और तेज के माध्यम से आज देखा जा सकता है, बल्कि विकास की विभिन्न योजनाओं का लाभ जब हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को प्राप्त हो रहा है, वह भारत की स्वाधीनता की वास्तविक अड़चन को हम सबको उसकी ओर प्रेरित करता है। आज के इस अवसर पर राष्ट्र रक्षा के समर्पण पर्व के अवसर पर मैं संपूर्ण झांसी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं
रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान की प्रेरणा सदैव हम सबको राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित करने का भाव पैदा करती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी आज स्वयं यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तना, जिनका रक्त गिरा धरती पर गिरकर हिंदुस्तान बना, जिन्होंने जीवन छोटा माना, माना देश महान है, उन्हीं के दम पर खड़ा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। उन्हीं विभूतियों में से एक हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मैं संपूर्ण झांसी की तरफ से आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज इस अवसर पर हम सबको इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से आपका पुनः स्वागत और अभिवादन। उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, श्री भानु प्रताप सिंह जी वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भारत सरकार, श्रीमान राम नरेश अग्निहोत्री, आबकारी एवं मध्य निषेध विभाग के राज्य के मंत्री श्री मनोहर लाल जी पंत, राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजना श्री अनुराग जी शर्मा, सांसद झांसी श्री रामचंद्र जी सिंघल, मेयर नगर निगम झांसी श्री पवन जी गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष और श्री अजय कुमार रक्षक सचिव भारत सरकार, और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री रवि शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, कला मंच से संबंधित देवियों एवं सज्जनों, और यहां पर उपस्थित हमारे शौर्य और पराक्रम की धरती झांसी के मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, झांसी के वीर भूमि पर आयोजित यह राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व देश की रक्षा के प्रति हमारे संकल्प और समर्पण के साथ साथ भारतवासियों की शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की अद्भुत परंपरा का यह उत्सव है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति। इस राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व का आयोजन करने में उत्तर प्रदेश सरकार का जितना सहयोग प्राप्त हुआ है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसके लिए मैं उनके प्रति, उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह पर्व साथियों जहां हमें भारत की गौरव गाथा से जोड़ता है, देश की स्वाधीनता के लिए हुए संग्रामों से जोड़ता है, वही भारत की आजादी के अमृत महोत्सव से भी यह जुड़ा हुआ है। साथियों जिस झांसी की जिस शौर्य भूमि पर आयोजन किया जा रहा है उसके कण कण महारानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और बलिदान की यशोगाथा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं बड़ी श्रद्धा के साथ शीश झुकाकर महारानी लक्ष्मीबाई के राष्ट्र प्रेम, शौर्य और साहस के बलिदान का स्मरण करता हूं और साथ ही उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं। साथियों इस मौके पर मुझे महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित एक कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। घुमी हुई आजादी की, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संतप्ता मन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। हिंदी की प्रख्यात कवि जिनका आप सबने नाम सुना होगा और प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में उनकी कविताओं को भी आपने पढ़ा होगा, सुभद्रा कुमारी की चौहान। यह कविता हर भारतवासी को आज भी रोमांचित कर देती है मेरे बहनों भाइयों। और लक्ष्मी बाई का जीवन भले ही लंबा नहीं था मगर अपने पराक्रम और बलिदान से उन्होंने जीवन को बड़ी बुलंदी तक पहुंचाया था। आप जानते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता
संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान अतुलनीय है। जब अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक के बाद एक देशी रियासतें फूटने टेक रही थी तो महारानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया था, मैं किसी भी सूरत में अपनी झांसी को नहीं दूंगी, ऐसी वीरांगना की धरती यह झांसी। और यह बात भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वह घोष वाक्य है जिसने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्वराज और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने के लिए मेरे बहन भाइयों प्रेरणा दी थी और उनके अंदर जज्बा पैदा किया था। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी कम उम्र में अपनों को खोया, बड़ी कम उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने अपनों को खोया, बच्चों को खोया और यहां तक कि अपना राजपाट भी खोया, मगर उन्होंने भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी नहीं खोया। वह है हमारी रानी लक्ष्मीबाई और यह भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी जो उन्हें शौर्य और शिखर पर स्थापित कर रही थी। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था, नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था महारानी लक्ष्मीबाई। और महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनका एक महिला होना रणभूमि में कभी बाधा नहीं बना था। नारी के अबला होने के विचार को हमारे समाज में बहुत लोग मान्यता दे रहे हैं, मगर उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, छलकारीबाई जैसी वीरांगनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखना चाहिए जिन्होंने रणभूमि में बहादुरी का बेमिसाल परिचय दिया। उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं, यह करके उन्होंने दिखाया है। साथियों, आज जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था उसकी याद दिलाना चाहता हूं, तो उन्होंने भी 1942 में एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बनाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यह मानते थे कि आजादी की लड़ाई आधी आबादी के भागीदारी के बिना अधूरी है, इसीलिए उन्होंने अपनी एक बटालियन का नाम, एक रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र रक्षा के काम में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला, मगर अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने भाषण बागडोर संभाली है, महिलाओं की हर हमारे फोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वन नेवी हो। और जब मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने एक एडवाइजरी भी सभी राज्यों को जारी की थी कि सभी राज्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, उच्च होना चाहिए। यह आदेश हमने उस समय जारी किया था। पैरामिलिट्री फोर्सेज में महिलाओं का प्रतिशत हमारी इस एडवाइजरी जारी करने के बाद बढ़ा है और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी पुलिस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब सेना में भी महिलाओं के लिए हर बंद दरवाजे खोले जा रहे हैं। हमने सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी मेरे बहनों भाइयों बढ़ाई है। सैनिक स्कूलों में बच्चियों का को एडमिशन भी किया जा रहा है। अब तो पुणे में मौजूद भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण संस्थान नेशनल एकेडमी में भी महिलाओं के लिए खोल दिया गया है। यही तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के प्रति सचमुच हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी, पिछले दिनों एनडीए में दाखिले के लिए देश भर से 2,00,000 लड़कियों ने प्रवेश परीक्षा दी, 2,00,000 से अधिक लड़कियों ने प्रवेश परीक्षा दी। साथियों, अब तो सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन भी देने की व्यवस्था बन गई। लंबे समय से इस देश में महिलाएं सेना में परमानेंट कमीशन की मांग कर रही थी, लड़ रही थी। अब सेना ने फैसला किया है योग्य महिला अधिकारी जो मेरिट में क्वालिफाई करेगी अब उन्हें परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। और महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा, इससे बढ़िया और क्या दूसरा कोई उदाहरण हो सकता है।
साथियों, आज जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व हम मना रहे हैं उसकी भावना, या मैं यह कहूं कि स्वतंत्रता या राष्ट्र प्रेम की भावना इस देश में सदियों से मौजूद रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने आचार्य चाणक्य को आक्रांताओं के खिलाफ चंद्रगुप्त को लड़ने के लिए तैयार किया था। वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने आचार्य चाणक्य को आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था। वह राष्ट्र रक्षा का ही भाव था जिसने महाराणा प्रताप को मुगलों की अधीनता कभी न स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी, और उसी राष्ट्र रक्षा के भाव ने छत्रपति महाराज शिवाजी को महाराष्ट्र के साथ साथ समग्र राष्ट्र के बारे में चिंतनशील बनाया था। इसी तरह न जाने ऐसे कितने हमारे राष्ट्र नायक है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों तक का बलिदान देने में उन्होंने रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। मेरे बहनों भाइयों, आज जब हम सभी यहां इकट्ठे होकर राष्ट्र रक्षा समर्पण का पर्व मना रहे हैं तो यह पर्व हमें इसका अवसर भी देता है कि हम एक पल ठहर कर अपनी अब तक की यात्रा पर विचार करें। हम देखें कि अपनी आजादी से लेकर अब तक हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, विकास पथ पर हम कितनी दूरी तक हम आगे बढ़े हैं और अभी हमें और कितनी यात्रा तय करनी है, और हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या किया है उससे सीख लेते हुए अपने भविष्य की राह हमें और आपको मिलकर ही प्रशस्त करनी होगी। समय के साथ जैसे चीजें बदली हैं, विचार बदले हैं, अवधारणाएं बदली हैं, और मैं तो समझता हूं कि हमारे लिए हमारी आजादी का अर्थ भी बदला है, और किसी समय हमारी आजादी का मतलब विदेशी शासन से मुक्ति था, लेकिन उसके बाद इसका अर्थ हुआ दुनिया की सहायता से अपनी जरूरतें पूरी करना और विकास की यात्रा तय करना। यह अब सच्ची आजादी नहीं, पर आज इसका अर्थ यह हो गया है कि हमें अपने विकास की यात्रा भी तय करनी है और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाना है। और मैं यहां इस सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, भारत ने जैसे राजनीतिक आजादी हासिल की है, भारत अब सामरिक आजादी भी हासिल करेगा, और एक दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं। मेरे भाइयों, आगामी एक डेढ़ दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथ से वो हथियार बनाए जाएंगे। सामरिक स्वतंत्रता हम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हमने स्वदेशी का रास्ता अपनाया है। पूज्य बापू का यह मानना था कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी या कागजों पर ही शासन का हस्तांतरण नहीं है। जब तक हम पूर्ण स्वराज्य और स्वदेशी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारी आजादी अधूरी रहे। स्वदेशी से उनका अर्थ आत्मनिर्भरता से ही था। मेरे बहनों भाइयों, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आत्मनिर्भरता की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ चला है। आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं वे आजादी के इसी बदले हुए अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथियों, आज भारत की गिनती विश्व के उन देशों में होती है जिन्होंने की आजादी के बाद से लंबा सफर तय किया है, और एक समय था देश में बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव था, देश की एक सुई भी नहीं बनती थी। हालात बदले हैं और बदल रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, परिवहन सुविधाओं और संचार सुविधाओं में के मामले में आज हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दर्शन। और मैं यह याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जहां आजादी के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 32 ईयर्स थी, सामान्यतः औसत जीने का जो समय होता था 32 साल हुआ करता था, लेकिन अब तक किए गए प्रयासों से यह लगभग 70 साल तक पहुंच चुका है, और साक्षरता की दर
जहां पर लगभग 12% हुआ करती थी, अब वह 80% पार कर चुकी है। वह दिन दूर नहीं है कि भारत के अंदर साक्षरता 100% हो गई। इसी तरह बुनियादी चीजों की आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ जीवन समाज के अनेक क्षेत्रों में बहुत सारी प्रगति हुई है। और मैं कह सकता हूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाल में ही कोविड के खिलाफ लड़ाई में 111 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हमारी एक शानदार उपलब्धि है। दुनिया के किसी देशों में इस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है कोविड के खिलाफ जैसे भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। कोविड के खिलाफ जिस तरीके से चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए थे, उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहनों भाइयों। साथियों, आज हमारा देश अनेक प्रकार के पारंपरिक और गैर पारंपरिक कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल चुनौतियों का सामना कर रहा है। और यह चुनौतियां न केवल समय के साथ बढ़ी हैं बल्कि उनमें विविधता और व्यापकता भी आई है। पहले सीमाई खतरे हुए हुआ करते थे, वहां की सेना आ जाएगी सीमा पर धावा बोलती, फिर आतंक और फिर उग्रवाद जैसे खतरे भी पैदा हुए हमारे देश के सामने। और अब तो साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में भी यह भी अब खतरों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यह भी अब सारे अंतरिक्ष और स्पेस यह सब भी अब खतरे की जद में आ गए। ऐसे में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न केवल मजबूत आधुनिक और सुसज्जित सेना तैयार करें बल्कि उसके साथ साथ उतना ही सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन का वातावरण भी पैदा करें जो हमारी सेनाओं के सभी जरूरी साजो सामान को हर हथियार को और समय और अन्य आवश्यकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर सके। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं अभी इसी वर्ष मैंने तय किया है जो हथियार जो प्लेटफॉर्म्स जो गन यह सब सारे हमारे सेना के जवानों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं 209 ऐसी चीजें होंगी जो पहले दुनिया के दूसरे देशों से आती थी। अब हम उन्हें भारत में ही बनाएंगे बल्कि दूसरे दुनिया के दूसरे देशों से हम इसे आयात नहीं करेंगे। और साथियों, आज जब मैं उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र जैसा माननीय योगी जी ने बताया कि झांसी में उपस्थित हूं, तब यह बात कहना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में केंद्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सफलता के लिए यह प्रदेश सरकार काम कर रही है। और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से बधाई दे रहा हूं। और साथियों, मैंने कई मंचों पर यह बात कही और आज भी मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत जैसा विशाल राष्ट्र दूसरे देशों पर निर्भर रहकर अपनी सुरक्षा जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। इसके लिए हमारा आत्मनिर्भर होना एकमात्र विकल्प है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हाल में ही कई हम लोगों ने परिवर्तन किए हैं। आप लोगों ने सुना होगा पहले जो रक्षा उपकरण फैक्ट्रियां बनाती थी इसे आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहते थे। आपके कानपुर में भी कई फैक्ट्रियां हैं, उसको कंपनी के रूप में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। केवल इसीलिए धीरे धीरे और बेहतर तरीके से समय से अच्छे हथियार जो है तैयार हो सके, यह फैसला हम लोगों ने किया है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के परिणाम भी हमारे सामने आने शुरू हो गए। हाल ही में एचएएल का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस साल आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा एचएएल यह हमारी कंपनी है, भारत की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसको हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है कि भारत में ही हथियार बनना चाहिए जिसका उपयोग हमारे सेना के गठन के लिए। यह भारत में रक्षा की दृष्टि से किसी भी भारतीय कंपनी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।
आज तक भारत की किसी भी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिला था बहनों भाइयों जो हम लोगों ने स्टार्ट किया। और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह निर्णय भारत में रक्षा उत्पाद और साजो सामान के निर्माण में की संभावनाओं का एक आदर्श उदाहरण भी यह प्रस्तुत करता है। इसके अलावा पिछले 7 वर्षों में हमारे रक्षा निर्यात का 38,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाना इन्हीं नीतियों का परिणाम है। 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का हम लोगों ने निर्यात किया, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं। हम सबको इस बात पर फख्र होना चाहिए, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि भारत की इतनी तेजी के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 10,000 से अधिक जो भानु प्रताप जी वर्मा यहां पर बैठे हैं ये विभाग के मंत्री, 10,000 से अधिक एमएसएमई का डिफेंस सेक्टर से जुड़ना इन्हीं की का परिणाम है। 10,000 एमएसएमई डिफेंस सेक्टर से जुड़ गई है जो हमारी फैक्ट्रियां चल रही। आज यदि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन और रोजगार बढ़ा है तो इन्हीं नीतियों का परिणाम है। और मेरे बहनों भाइयों, एक समय था जब देश में लगभग 65-70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात की जा रही थी, आज तस्वीर बदल गई है। आज तस्वीर बदल गई। और बहनों भाइयों, आपको यह भी मैं जानकारी देना चाहता हूं, वो पंखा भी अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, पूरे कैपिटल बजट का 64% हम लोगों ने तय कर दिया है। चाहे जो भी हो जाए, हम दुनिया के दूसरे देशों से माल नहीं खरीदेंगे, भारत की धरती पर भारत के पसीने से जो माल बना होगा हम नहीं खरीदेंगे। रहने वालों, सरकार और उद्योग जगत के साझा प्रयासों से हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हम जल्दी प्राप्त करेंगे, यह भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। कि हम भारत के लिए ही नहीं बनाएंगे, सारी दुनिया के लिए हम बनाएंगे और इस शपथ को हम पूरा करेंगे। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे इस विश्वास का सबसे बड़ा कारण है इस देश की सामूहिक संकल्प शक्ति और भारत की युवा शक्ति का उत्साह और उनके भीतर मौजूद अपार ऊर्जा। आपके अंदर जो उत्साह है, अपार ऊर्जा है, उसी के परिणाम स्वरूप हमारी संकल्प की सिद्धि होकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति यदि किसी दुनिया के देश के पास है, भारत के पास, जितने युवा भारत में हैं दुनिया के किसी देश में इतने युवा नहीं मिले। और मैं मानता हूं कि इस युवा शक्ति, यह युवा शक्ति इस दशक को रक्षा उत्पादन की दृष्टि से नई बुलंदियों तक ले जाने में पूरी तरह से कामयाब होगी। और साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जहां से हम अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमने अब तक काफी कुछ किया है और आगे भी हमें बहुत कुछ करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मन, वचन और कर्म से अपने संकल्प की सिद्धि प्राप्त करके ही रहेंगे। और साथियों, इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबको इस दिशा में आज सोचने की जरूरत है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में इस पर विचार किया और एक बड़ी विदेशी ताकत का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने चुनौती कोई भी हो उसके खिलाफ डटकर खड़े रहना हमारे राष्ट्र रक्षा के संकल्प का ही एक हिस्सा है और ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि हम भी अपने मन में अपने समाज और देश की बेहतरी का संकल्प लें और यथासंभव उसे निभाने का भी हम अपनी तरफ से प्रयत्न करें। यही हमारे लिए इस उत्सव की सार्थकता है। और मेरे दोस्तों, आज का यह आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी यहां पर मौजूद हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं कर्मयोगी तो है ही, कैसे कर्मयोगी हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बचपन से ही भक्ति योगी भी हैं,
कर्म योग और भक्ति योग का समन्वय भी देखना है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देखा है और इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां के विकास के लिए जो चौमुखी प्रयास किया उसने इस प्रदेश की सूरत को बदलने का काम किया है। आपको अनुमान नहीं होगा हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में इसकी सराहना होगा, घर की मुर्गी तो साग के बराबर होगी। कैरिश्मेटिक काम किया, अभी कल ही प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जिस पर कि कोई बड़ी से बड़ी हवाई जहाज भी लैंड कर सकती है, क्या शानदार एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ। बुंदेलखंड को भी एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, यह भी योगी जी ने आपको बताया। आपने देखा होगा कि आजकल देश में बन रहे हाईवे और एक्सप्रेसवे सामान्य आवागमन के साथ साथ युद्धक विमानों के उपयोग में भी लाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले मैं और नितिन गडकरी बागबेर में ऐसे ही एक्सप्रेस वे पर उसी हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से हम लोग लैंड किए थे और लोग देखकर बिल्कुल चौंक गए थे। यह करिश्मा भारत में हो रहा है और यह करिश्मा भी हो सकता है तो हम ही लोगों की सरकार के रहते हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्मेटिक लीडर भी रहते हुए नहीं हो सकता होगा वो उत्तर प्रदेश में और इस काम को उत्तर प्रदेश में भी किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अब देश और प्रदेश के हाईवे और एक्सप्रेसवे विकास के साथ युद्धक विमानों के लिए रनवे का भी काम अब प्रारंभ हो जाएगा और यह है नया भारत, यह है नया भारत और यह है नया उत्तर प्रदेश मेरे बहन भाइयों। जब एक्सप्रेस वे पर बड़ी बड़ी हवाई जहाजें उतरा करेंगी या कोई छोटा कलिश्मा नहीं है, जब देश भर में कहीं पर भी कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने और माफिया राज पर लगाम कसने की बात आती है तो जानते हैं किस राज्य की चर्चा होती है। आपके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं किस राज्य की चर्चा होती है, उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा होती है नहीं। और मैंने तो एक अपनी सार्वजनिक सभा में मैंने कहा हार्ट बीट जानते हैं दिल की धड़कन, वैसे सामान्यतः जिसे बहुत डर लगता है उसी की याद आ जाने पर दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है, हार्ट कोलैप्स करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और मैं कह सकता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं मेरे भाइयों कि जो अपराधी होते हैं उनकी याद आते ही उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। योगी शासन के में गुंडे माफिया तो बदमाशी छोड़ चुके हैं और फिर उन्हें अपने धंधे छोड़ने पर मजबूर भी होना पड़ा, ऐसे ही नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए भी वे पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और डिफेंस कॉरिडोर के अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अब कितनी आपको जानकारी है मैं नहीं कह सकता, यह भी करिश्माई काम किया है, एक जिला और एक प्रोडक्ट जैसे कार्यक्रम से उद्योगों को बढ़ावा देने का काम भी यहां उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो यह काम हो रहा है हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल का वह काम कर रहा है, एक नमूना है जो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के। जहां तक आबादी का सवाल है, आबादी के दृष्टि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य और सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद कोविड महामारी में जिस तरीके से इन्होंने काम किया मैंने भाइयों में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ से भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और इसे यह साबित हो गया
दृढ़ संकल्प और जनता के आदमी के सहयोग से किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और मैं यह मानता हूं कि आज का यह पर्व भी केंद्र और राज्य सरकार के इसी समन्वय और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है, ऐसी मेरी मान्यता है। साथियों, इस पूरे सभा स्थल की जिस प्रकार की भव्यता है, रौनक देखकर हमको लग रहा है झांसी का कोना कोना जर्रा जर्रा मानो आजादी का अमृत महोत्सव पूरे जोर शोर से मना रहा है। कि तो सड़कों पर भी मैंने देखा जिस प्रकार की तैयारी हो रही थी, और यह पर्व इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के संकल्प से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी सफलता सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं इस आयोजन से जुड़े लोगों के समस्त भारत लोगों तथा समस्त भारतवासियों को पुनः अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं ही देता हूं। और जैसा योगी जी ने आपको बताया कि 19 तारीख को यानी परसों हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का समापन होगा और तरह तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए और इस कार्यक्रम का आयोजन जो प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है उसके लिए मैं पुनः राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की आप सबको पुनः बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपको माननीय रक्षा मंत्री जी। देश प्रेम की ज्वाला जैसे आपके अंदर है, जैसे आप समर्पित हैं, हम सबके लिए आदरणीय एक बार जोरदार तालियों से पुनः माननीय रक्षा मंत्री जी का हम सब अभिवादन करती हूँ। मैं कार्यक्रम के क्रम में आदरणीय माननीय सांसद झांसी श्री अनुराग शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आए और सम्मानित मंच के प्रति, माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, हमारे अन्य अतिथिगणों के प्रति आभार व्यक्त करें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.